कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा धरना प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट और मतभेद की वजह से विकास रुक गया है। वहीं इस वक्त चारों तरफ पानी का अकाल पड़ा हुआ है। इस समय सरकार को पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए, जबकि सरकार के प्रतिनिधि चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे गर्मी में लोगों के हाल बेहाल हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष एवं AICC के सदस्य दिनेश खोडनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विकास के कार्यों पर रोक लग गई है। नगरपालिका क्षेत्र में कई विकास के कार्यों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार इन कार्यों में सहयोग नहीं कर रही है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट करते हुए उपखंड मुख्यालय सागवाड़ा के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष ललित पंचाल, ब्लॉक अध्यक्ष धीरज मेहता, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, AICC के सदस्य दिनेश खोडनिया सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रधान, पार्षद एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वागड़ क्षेत्र की और पूरे राजस्थान की जनता बहुत परेशान है। अभी गर्मी का समय है, गांव के अंदर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, त्राही माम हो रहा है, तालाबों में पानी है नहीं, हैंडपंप सूख चुके हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार आंखें मूंद करके बैठी है। इनको टैंकरों से पानी देना चाहिए था, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, मंत्री देखो, मुख्यमंत्री देखो, सब राजस्थान से बाहर हैं। 50 डिग्री 52 डिग्री की गर्मी में भी बिजली देने में असफल रहे हैं। वागड़ के डूंगरपुर जिले के अंदर 24 घंटों में 2 घंटे भी बिजली नहीं आ रही, रात को तो बिजली मिल ही नहीं रही है, दिन में भी घंटा आधा घंटा कहीं चालू हो जाती है। कोई अधिकारी किसी नेता की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और जनता सड़कों पे उतर चुकी है। परेशानी हर व्यक्ति के सामने है। इसी को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सागवाड़ा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के राजस्थान की सरकार जो पानी बिजली देने में असफल हो गई है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले आते 2 दिनों में परिणाम आने लोकसभा चुनाव का, उस बारे में आपका क्या कहना है? पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन बन चुका है कि तानाशाही सरकार है, इस सरकार को हटाने का मन बना लिया है। इन्होंने जिस तरीके से इनके नेताओं ने चुनाव से पहले 400 पार की बात की थी, अब वो भूल चुके हैं। इनके नेताओं ने संविधान को बदलने की बात की थी कि 400 अगर आती है तो हम संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने का मतलब है कि SC ST का रिजर्वेशन खत्म करना, OBC के लिए सारी योजनाएं चल रही हैं उनको बंद करना। इन सब को लेकर के देश में आक्रोश है, और अब की बार देखना कि सरकार इंडिया गठबंधन के बनने जा रही है। स्थानीय बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के बारे में आपकी क्या राय है सर? ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ से अब की बार बाप और कांग्रेस का गठबंधन था, और आप देखेंगे परसों 4 तारीख को कि हम डूंगरपुर बांसवाड़ा इंडिया गठबंधन 2 लाख वोटों से भी ज्यादा जीतने जा रहा है। जनता ने बांसवाड़ा जिले की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी थी विधायक के चुनाव में, और अब की बार भी वही रिजल्ट आपके सामने आने वाले। अंदर भारतीय जनता पार्टी के आपसी गुटबाजी के कारण सारे विकास के काम रुक गए हैं। जो करोड़ों के काम अशोक गहलोत की सरकार के टाइम पर हम लाए थे, उन सारे कामों को रोक दिया है। सागवाड़ा नगर पालिका को करोड़ों का बजट दिया, हमारे 4 तालाबों के लिए करोड़ों रुपए दिए थे,
वो स्टेट की जितनी एजेंसियां हैं वो धीमी गति से काम कर रही हैं। हमने जेजेएम के अंदर 423 करोड़ रुपया इस सागौड़ा विधानसभा क्षेत्र के ला करके स्वीकृत करवा रखा है, लेकिन उसका काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। जबकि गर्मी के अंदर ये हमारे लिए भी काम का होता, घर घर योजना के तहत। उसी के साथ सागौड़ा में 20 करोड़ का सामुदायिक भवन बनाने की बजट स्वीकृत पिछली सरकार ने कर दी, उसको रोक दिया है। हमारा जो स्टेडियम यहाँ पर कॉलेज के अंदर बनने जा रहा है उसमें मात्र 1.5 करोड़ रुपए का काम किया है, जबकि वहाँ पर इस वर्ष के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा का काम होना चाहिए था। ये सारे काम राज्य सरकार ने आकर के रोक दिए। इन सब कामों के ऊपर मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए गए हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनको रोकें नहीं, इसलिए भी आज ये धरना प्रदर्शन है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।